हेलो एवरीवन, एक नई रिपोर्ट में यह सामने आया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले साल राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके लिए यह कारण दिया गया है कि उन्हें पार्किंसन नाम का एक गंभीर बीमारी है। पूरे वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन के खबर के हिसाब से एक्सपर्ट ने कई बार यह नोटिस किया है कि पुतिन दर्द से जूझ रहे हैं, और कुछ समय पहले ही यह नोटिस किया गया था कि उनके पैर भी सही तरह से नहीं काम कर रहा था। देखो, आपके मन में एक सवाल आता होगा, यह पार्किंसन बीमारी क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यह एक दिमाग की बीमारी है। एक्चुअली ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है तो इसका लेवल कम होते जाता है। सामान्य तौर पे आप देखते होंगे बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पैर हिलते डुलते रहते हैं, यह सब इस केमिकल की कमी की वजह से होता है। लेकिन अगर यह केमिकल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए तो उस इंसान का सब कुछ याद रखने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, और साथ में उसके बॉडी पार्ट के मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उसमें दर्द भी होता है। यही होता है पार्किंसन बीमारी में। मॉस्को के पॉलिटिकल साइंटिस्ट वैलेरी सोलोवी ने द सन को दिए इंटरव्यू में यह कहा कि पुतिन की गर्लफ्रेंड एलिना कावाइवा और उनकी दो बेटी ने पुतिन से रिक्वेस्ट किया है कि वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट के लिए चूज कर सकते हैं रिटायर करने से पहले। पुतिन हाल में ही लगातार अपने पैर इधर से उधर करते देखे गए थे। एक्सपर्ट के हिसाब से रशियन प्रेसिडेंट लगातार दर्द से जूझ रहे थे। इस दौरान पुतिन ने एक चीज़ हाथ में थाम रखा था जिसमें दवाई होने की संभावना थी। पुतिन के इस्तीफे देने की अटकलें ऐसे समय में तेज हो गई है जब एक रूसी सांसद एक बिल लाने की तैयारी में है जिसके तहत पुतिन को आपराधिक कार्रवाई से आजीवन छूट मिल जाएगी। यह नए बिल को खुद पुतिन ने ही पेश किया था, और इसके मुताबिक पुतिन के जिंदा रहने तक उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट मिलेगी और स्टेट्स की तरफ से उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती रहेगी। अभी ऐसा कानून है कि प्रेसिडेंट रहने तक पुतिन को यह सब छूट मिलता रहेगा। रशिया के सरकारी चैनल आरटी के हिसाब से यह बिल रूस में सत्ता बदलने की तरफ संकेत करती है। देखो, पुतिन का भारत के साथ काफ़ी अच्छा जुड़ाव था, और हमेशा पुतिन ने भारत के हित को सबसे ज़्यादा कदर किया है दूसरे कंट्री के मुकाबले। उसके साथ पुतिन वर्ल्ड के टॉप पावरफुल लीडर में से एक हैं, क्योंकि रशिया पे वेस्टर्न कंट्री के इतने हैवी सैंक्शन के बावजूद भी पुतिन का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे काफ़ी बड़ा प्रभाव है, और उन्होंने कभी भी रूस के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दिया। आगे जो भी होगा अपडेट लाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।